आप सब लोगों को मालूम है, जब इसके बारे में चर्चा शुरू हुई तो ये चर्चा तो आई है पूरे तौर पर ये मार्च महीने से शुरू हुई है, उसके पहले तो ये चीन में था और अन्य जगहों पर फैला था, उसकी कोई खास चर्चा नहीं थी। लेकिन जैसे ही इसकी चर्चा शुरू हुई हम लोग इस पर काफ़ी सजग हुए और जो जरूरी काम है वो सब करना शुरू किया। मुझे याद है आज भी कि 13 मार्च को पहली मीटिंग हम लोगों ने की और सब आपस में बातचीत की और आगे क्या करना चाहिए इसके बारे में सोचा। और विधानसभा विधान परिषद का आप जानते हैं चल रहा था बजट सेशन, बजट सत्र चल रहा था और उसको सभी दल के लोगों के साथ बातचीत करके 16 मार्च को उसको स्थगित कर दिया गया। बजट पारित करने के बाद ये सब काम हुआ और हम लोगों ने जब आप जानते ही हैं उसके बाद हम लोगों ने जो जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 22 तारीख को मार्च में, और उसी दिन हम लोग शाम में मीटिंग में बैठे थे कि आखिरकार जब ये स्थिति बढ़ती जाने की संभावना है तो हम लोगों को क्या क्या करना है। तो बिहार के बारे में आप लोगों को स्मरण होगा थोड़ा कि हम लोगों ने तय किया था कि 23 तारीख से लेकर के यानी 23 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक हम लोगों ने तय कर दिया था कि सभी जितने भी हमारे प्रखंड मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय, जिला मुख्यालय, जितने नगर निकाय हैं, चाहे नगर निगम हो, नगर परिषद हो, नगर पंचायत हो, इसके बारे में हम लोगों ने निर्णय किया कि 31 मार्च तक उसमें हम लोग लॉकडाउन लागू करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि 24 तारीख के ही शाम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की और भारत सरकार की तरफ से पूरे देश में 25 तारीख से लॉकडाउन लागू कर दिया गया और ये तय किया गया था कि 14 अप्रैल तक रहेगा और आप जानते हैं उसको बाद में बढ़ाना पड़ा 3 मई तक, उसके बाद फिर 17 मई तक और फिर उसके बाद 31 मई तक, यानी 4 खंड में पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया गया। और जो आपदा प्रबंधन कानून है 2005 का बना हुआ उसी के अंतर्गत इसको क्रियान्वित किया गया, लागू किया गया और उसको ध्यान में रख करके केंद्र सरकार ने इस बारे में गाइडलाइन जारी किया कि कैसे क्या करना है।